हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बेक एंड बाइट। मुझे बहुत खुशी है कि आपको हमारे चैनल पे जो भी वीडियोस मैं पोस्ट कर रही हूँ, जिन भी चीज़ों की आपको बहुत पसंद आ रही है, और मेरी ये पूरी कोशिश होगी कि मैं आपके लिए हर दिन कुछ अलग, कुछ आसान सा और कुछ चटपटा और मज़ेदार लेके आती रहूँ। और एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप प्लीज़ 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 पूरी वीडियोस को स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, ये समझने के लिए और ये जानने के लिए कि मैंने जो चेंजेस किए हैं अपनी वीडियोस में कोई भी रेसिपी बनाते समय, तो वो या क्या क्या चेंजेस हैं या वो चेंजेस क्यों क्यों इम्पोर्टेंट रखते हैं। ये स्टार्टिंग से एंड तक की पूरी वीडियोज़ में मैं बीच में आपको बहुत सारी जगहों पर बताती हूँ कि हम मैंने क्या चेंज किया है, क्यों चेंज किया है, किस लिए चेंज किया। सो या डू दिस फेवर टू मी एंड वॉच फुल वीडियो ऑफ माइन, एंड साथ ही साथ हमारी वीडियोज को आप शेयर करें अपने रिलेटिव्स के साथ एंड सभी के साथ जो आपको लगता है जिनको इस वीडियो से फ़ायदा होगा। तो आज हम जो बनाने जा रहे हैं, इट्स अ स्पॉन्ज चॉकलेट केक। आज हम चॉकलेट केक बनाएंगे एंड उसे डेकोरेट भी करेंगे, जो मैं आपको सेकेंड हाफ ऑफ द वीडियोज में बताऊँ। बट आज की जो हमारी वीडियो है वो बेसिकली है सिर्फ और सिर्फ चॉकलेट केक के लिए, कि हाउ टू मेक चॉकलेट केक घर पे टेस्टी और आसानी से। तो लेट्स गेट स्टार्ट विद द रेसिपी। सो चलिए देखते हैं कि हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे अपने चॉकलेट केक को बनाने के लिए। सबसे पहली चीज़, आटा, या गेहूं का आटा या फ्लार भी कहते हैं हम इसे, बट आप इसके जगह रिफाइंड फ्लार भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं आटा यूज़ करना पसंद करती हूँ। आइसिंग शुगर, मतलब पिसी हुई चीनी। यहाँ पे हमारे पास है कोको पाउडर 2 टीस्पून एंड थोड़ी सी कॉफ़ी। कॉफ़ी क्या करता है, एक अच्छा सा डेप्थ देता है हमारे चॉकलेट केक के लिए। यहाँ पे है हमारे पास नॉर्मल रूम टेम्परेचर दूध, रूम टेम्परेचर हमारे पास ये दही है। यहाँ पे ये है चॉकलेट सॉस, जो मैंने घर पे ही बनाई है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये चॉकलेट सॉस आप घर पे कैसे बना सकते हैं आसानी से और ये यमी चॉकलेट, तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और यहाँ पे मेरे पास है जितने भी ये सारे हैं, ये बेकिंग एजेंट्स हैं जो हमारे केक को अच्छे से पफ होने में हेल्प करेंगे। यहाँ पे बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है एंड नमक है। नमक भी एक अच्छा इंग्रेडिएंट्स होता है जब आप चॉकलेट केक बनाते हैं, क्योंकि ये हमारी चॉकलेट को यानी कोको पाउडर को एक अलग सी ही टेप देता है। और साथ ही साथ है मेरे पास यहाँ पे चॉकलेट एसेंस, जो क्या करेंगे, जिससे हम क्या करेंगे, अपने केक को फ्लेवर करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं बैटर बनाना। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने एक मिक्सिंग बोल ले लिया और यहाँ पे सीव ले लिया। अब सीव में जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं हम इनको एक साथ डालेंगे और अच्छे से इनको छान लेंगे। तो इस आटे के साथ ही मैं अपने बेकिंग एजेंट्स भी इसी में डाल रही हूँ एंड हम इसको अच्छे से छान लेंगे। मैंने पहले भी बताया कि जब भी हम केक बना रहे हैं तो हमें आटा छानना क्यों जरूरी, बिकॉज ये क्या करता है, हमारे जो आटे को एक अच्छा सा एयरी बना देता है। जब छन जाते हैं तो इसके सारे पार्टिकल्स वो अलग अलग बिखर जाते हैं, जो हमें क्या हेल्प करता है, एक अच्छा सा बैटर बनाने में हेल्प करता है। तो मैं यहाँ पे ये छान लेती हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा आटा छन चुका है। अब हमारे पास बारी है हमारे जितने भी वेट इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हें मिलाने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, इसमें दही लेंगे और इस दही को एक अच्छा सा मिक्स देंगे। अब हम मिक्स इंग्रेडिएंट्स को बनाने के लिए तो क्या करेंगे, हम पहले ये दही लेंगे और इस दही को अच्छे से फेंट लेंगे। ये अच्छे से फेंट जाए उसके बाद हम इसमें हाफ एंड हाफ करके चीनी डालेंगे। जैसे मैंने उसको अच्छा सा एक मिक्स दे दिया और उसमें मैंने हाफ एंड हाफ करके चीनी डाल दी हूँ, और ये चीनी इसमें मैंने पूरी डिजॉल्व करनी है और हम अपना एक अच्छा सा होमोजेनियस बैटर बनाएंगे। और साथ ही साथ मैं इसमें थोड़ा थोड़ा दूध भी डालती जाऊंगी। आटा छानने के बाद हमारे जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं एक बार छान लेने के बाद, सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप हमारा ये होता है कि हम किस तरीके से और किस क्वांटिटी में, किस टेम्परेचर के साथ अपने वेल इंग्रेडिएंट्स को जो है मिक्स कर रहे हैं अपने केक बैटर के लिए। अब इसमें हाफ एंड हाफ करके तो
ऐसे करते करते अपने पूरे जितने भी वेट इंग्रेडिएंट्स उनको पूरा बना लेते हैं। दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो मिक्सचर है वो पूरी तरीके से अच्छे से बन के तैयार हो गया है, तो हम इसको एक तरफ रखते हैं और अपने इस आटे में हमारे पास जो कोको पाउडर है और कॉफी है उसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये हम साथ में भी कर सकते हैं, बट अगर आप ये लास्ट में भी करना चाहें तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको भी हम अच्छे से सीव कर लें। इसे अच्छे से हमको इसमें मिक्स कर लेना है, इन्फ्यूज कर लेना है ताकि हमारा पूरा आटे पे जो चॉकलेट या कोको पाउडर का जो अच्छा सा फ्लेवर है वो उस पे आ जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा आटा जो है वो कोको पाउडर में अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब बारी है कि हम अपने मिल्क में ये जो चॉकलेट सॉस बनाई है हमने केक को और चॉकलेटी और यमी करने के लिए, वो हम इसमें मिक्स कर देंगे। ये चॉकलेट जो है वो सिरप जो है वो बनाना घर पे बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसानी से बन जाने वाली टेस्टी यमी एंड हेल्दी सॉस है। चॉकलेट सॉस किसे नहीं पसंद होती है, तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ये चॉकलेट सॉस मैंने कैसे बनाई है घर पे, तो आप कमेंट कीजिए और मैं फॉर श्योर इस पर एक वीडियो बनाऊंगी। तो अब हमें क्या करना है, हमारे जितने भी ये लिक्विड बैटर है उसे थोड़ा थोड़ा करके अपने बटर में हमें मिलाना है, कट फोल्ड करते हुए। कट फोल्ड का क्या मतलब है कि हमें अपने साइड से सारा स्क्रेप करना है और मिडल में उसे बाइंड करना है। ऐसे कट एंड फोल्ड। ये एक सबसे अच्छा वे है जिससे हम अपने बैटर को विदाउट एनी लम्स बनाते हैं और उसे एकदम सॉफ्ट रखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये लास्ट बैच था मेरे वेट इंग्रेडिएंट्स का जो मैंने इसमें पोर कर दिया है, और हमारा जो बैटर है वो एकदम से ही अच्छी तरीके से रेडी हो गया है। बस इसे कट फोल्ड करके हमें जो रहा सा हमारा लिक्विड इंग्रेडिएंट है उसे अच्छे से बैटर में मिक्स करके एक होमोजीनियस मिक्सचर बना लेना है। और साथ ही साथ मैं इसमें 1 टेबल स्पून ये एसेंस डालूंगी ताकि हमारे केक को एक अच्छा सा चॉकलेट फ्लेवर मिल जाए। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है, और हमने ये देख लेना है कि इसमें कोई भी लम्स ना रह जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जो ये बैटर है वो अच्छे से बन गया है। तो अब बारी है इसे बेकिंग टिन में डालने के लिए। तो हियर्स अ लिटिल ट्रिक, मैंने क्या किया है, थोड़े से बटर को कोको पाउडर के साथ मिक्स करके और उसे अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। इससे क्या होगा, जो हमें जो हम आटा डस्ट करते हैं उसका एक अलग सा फ्लेवर आता है और एक मोटी सी अलग सी कोटिंग आ जाती है हमारे केक पे कई बार जब हम आटा स्प्रेड करते हैं, तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं आएगी और हमें पूरी तरीके से हमारे चॉकलेट का फ्लेवर मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बैटर अच्छे से टिन में आ गया है।
now it's time to bake it for 30 to 35 minutes. या अगर आप इसे ओवन में बना रहे हैं या आप इसमें OTG में बना रहे हैं या माइक्रोवेव में बना रहे हैं तो उस सब में अलग अलग टाइमिंग्स होंगी जिसमें ये बेक होगा. बट मैं इसे गैस तंदूर पे बना रही हूँ तो मैं इसे 30 से 35 मिनट के लिए इसे बेक करने रखूंगी. तो फ्रेंड्स जैसा आप देख सकते हैं कि 30 to 35, मैंने इसको 35 मिनट से अप्रॉक्स रखा था एंड माई केक इज ready and see the toothpick is very clean and see the softness of the cake, it's bouncing back and देख जैसे आप देख सकते हैं ये एकदम soft केक बना है. और अभी मैं इस केक को ऐसे ही इस कूलिंग रैक पे ठंडा होने के लिए रख दूंगी और तब तक हम क्या करते हैं इसकी